इधर खबर दिल्ली से, जहां दिल्ली में चुनाव करीब आने के साथ ही प्रचार और रैलियों का सिलसिला काफी तेज है। दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज मोटर बाइक रैली निकाली है। रैली में बड़ी संख्या में सिख नौजवान शामिल थे। ये तस्वीरें देखिए, लेकिन दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक तरफ बीजेपी की बाइक रैली है और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की साइकिल रैली। तो सियासी सुपर संडे कह लीजिए, रैलियों का रविवार। एक तरफ साइकिल रैली देख रहे हैं जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जिस पर सवार हैं, दूसरी तरफ बाइक पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सवार हैं। सिख समुदाय के तमाम जो हजारों की संख्या में युवक, उन्होंने इसमें शिरकत किया। दिल्ली प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और मनजिंदर सिंह सिरसा इसमें शामिल रहे। ये तस्वीरें देखिए। धन्यवाद करता हूँ मेरे देश के नौजवान युवा का, जिन्होंने आज हमारा इस बाइक राइड में सहयोग किया। हमारी विशेष तौर पर बाइक राइड जो थी, ये सिख कम्युनिटी की प्लेज थी, सिख यूथ की प्लेज थी टुवर्ड्स आर प्राइम मिनिस्टर। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने, मोदी जी ने जिस तरह के सिखों को हमेशा संदेश दिया है, ये उसको लेकर और विकसित भारत में 2047 का जो सपना है वो हमारा सबका साथ सबका विकास से पूरा होगा। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कम्युनिटी के लिए बड़ा योगदान दिया, उसको चलते आज हमारी कम्युनिटी एकजुट होकर नौजवान खास तौर पर देश भर से निकलकर सड़कों पर उतरे। और प्रधानमंत्री जी, हम आपको संदेश देना चाहते हैं, जैसे आप हमसे प्यार करते हैं ऐसी हम भी आपसे प्यार करते हैं। एक एक्साइटमेंट हमने देखा, खासकर जब वो एक पॉइंट जब आम आदमी पार्टी के ऑफिस से निकल रहे थे, जो एक्साइटमेंट देखा था उस पे क्या बोला था? नहीं, देखिए होता ही है, क्योंकि वो लोग जो झूठे बातें करते हैं, फ्रॉड करते हैं और नौटंकी करते हैं, तो अब कल उन्होंने भी कहा था वो भी निकालेंगे रैली, बेचारों की उनकी रैली तो फुस होगी, तो हमारे नौजवानों का यूथ का जोश तो दिखना है। वैसे भी खालसे का जोश बहुत होता है, एक सवा लाख के बराबर होता है, तो या तो हजारों की बात ही में थे। देखिए, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही के खिलाफ अलग अलग तरीकों से जनता के बीच में अपना प्रचार अभियान चला रही है। पहले हम लोगों ने वाकाथन के माध्यम से लोगों के बीच में अपने प्रचार अभियान को आगे बढ़ाया, और आज फिर से साइक्लोथन के माध्यम से जनता के बीच में इस संदेश को पहुंचा रहे हैं कि इस बार देश को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की, मोदी सरकार की तानाशाही को खत्म करना जरूरी है, संविधान और लोकतंत्र को बचाना जरूरी है, जिसके लिए ये संदेश लेकर के ये वाकाथन की टीम जनता के बीच में जाएगी।